जो छोटी छोटी बातें हैं वो हम भूल जाते हैं। इस जीवन में लोगों की आदत है कि बड़े बड़े लक्ष्य बनाते हैं, और ऐसे लक्ष्य जिनको हासिल करने के लिए, जिनको पाने के लिए मनुष्य कितने यत्न करता है, पर छोटी छोटी चीजें वो भूल जाता है। छोटी सी चीज क्या है जो मनुष्य भूल जाता है? अपने हृदय की पुकार को भूल जाता है। दुनियादारी की जो बातें हैं उनमें लोग ऐसा उलझ जाते हैं कि पूछो मत। यहां कोई ऐसा नहीं है बैठा हुआ जिसको ये ना मालूम हो कि एक दिन जाना है। और कितने दिन तुम यहां रहोगे? ये जो तुम्हारा समय है ये कितना लंबा है, सोचने की बात है। सोच के इसको सोचना है इसके बारे में। अपने आप को बिना सोचे जवाब मत देना, सोचना कि जो जो तुम्हारा यहाँ समय है, जब से तुम पैदा हुए और जिस दिन तुमको जाना है, वो समय कितना लंबा है। तुमको तो लंबा लगता है, तुमको तो 24 घंटे लंबे लगते हैं, तुमको एक दिन लंबा ज्यादा लगता है, दो दिन, कोई कह दे हाँ 4 दिन के बाद आएगा तो 4 दिन के बाद, अरे तो बहुत समय हो गया। नहीं, हर एक चीज तुमको तुरंत चाहिए, तुरंत 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 तुरंत, हर एक चीज। लोगों को 15-15 घंटे हवाई जहाज में बैठना पड़ता है, वो लोगों को अच्छा भी लगता, वो चाहते हैं कि हवाई जहाज उड़े और नीचे उतरे, बस पहुंच जाए तुरंत बस में तुरंत। और तुम एक घंटे की यात्रा है, 2 घंटे की यात्रा है, 3 घंटे की यात्रा है, 4 घंटे की यात्रा है, ये तुमको बड़ी लगती है, बहुत ज्यादा है। पर तुम्हारी यात्रा, तुम्हारी बस की नहीं, टैक्सी की नहीं, स्कूटर की नहीं, हवाई जहाज की नहीं, पानी के जहाज की नहीं, तुम्हारी यात्रा कितनी लंबी है? तुम्हारी यात्रा कितनी लंबी है? अगर किसी से कहा जाए कि 75 साल के बाद मिलेंगे, तुमको नहीं लगेगा कि 75 साल तो बहुत होते हैं? है? पर होते हैं या नहीं होते हैं? किसके लिए होते हैं और किसके लिए नहीं होते हैं? पहाड़ के लिए 75 साल कुछ भी नहीं है, बड़े धीरे 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 सब कुछ होता है। मच्छर के लिए उसका जीवन ही कुछ दिन का है, उसी में उसको सब कुछ करना है। पिछहत्तर साल के बारे में तो मच्छर सोच भी नहीं सकता है कि वो कितना समय है। पर जो तुमको लगता है कि अभी तुम्हारे पास समय है, ये माया का प्रकोप है।
क्योंकि ये है नहीं। और उससे पहले कि तुम संभल पाओ, जाने का समय हो जाए, कोई नहीं रहेगा, सब कुछ बदलेगा, सब कुछ। तुम बदलाव नहीं चाहते हो, पर बदलाव होता है तुम्हारे जीवन में, और एक ऐसा बदलाव होगा तुम्हारे जीवन में, ऐसा बदलाव होगा जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते हो। तो मैं ये सब कुछ क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि तुमको अपने जीवन में सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्यों क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि जितना समय तुम चाहते हो या जितना समय तुम सोचते हो तुम्हारे पास है, उतना समय तुम्हारे पास नहीं है। तो जब समय नहीं है तो सबसे पहले वो करना चाहिए जो सबसे जरूरी हो, नहीं? अगर तुम कहीं जाओ और जहां तुम जाओ वहां का टिकट ऑफिस सिर्फ 5 मिनट और खुला रहेगा तो उसके बाद वो ऑफिस बंद हो जाएगा, तो वहां तुम पहुंचे तो वहां दृश्य भी अच्छे हैं, खाने के लिए तुमको भूख भी लगी हुई है, तुमको सबसे पहले क्या करना चाहिए? वापस जाने का टिकट खरीद लेना चाहिए, क्योंकि वो 5 मिनट के बाद खत्म हो जाएगा। वापस जाने का जब टिकट तुम्हारे पास है तो घूम भी सकते हो, खा भी सकते हो, आनंद भी ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, सो भी सकते हो, जाग भी सकते हो, परंतु तुम्हारे वो टिकट तुम्हारी जेब में है। तुमको फिर आखिर में कभी यहां भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, अरे मेरा टिकट भूल गया। कितने बेवकूफ लोग हैं जो एयरपोर्ट जाकर के अपने टिकट को ढूंढते हैं, जो घर में ढूंढना चाहिए वो एयरपोर्ट जाके ढूंढते हैं, है या नहीं? पासपोर्ट है, एयरपोर्ट जाके ढूंढते हैं, नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? जा तो सकते नहीं, क्या करेंगे? सबसे जरूरी चीज तुमको क्या लगती है कि तुम्हारे जीवन में क्या है? तुमको लगता है कि सबसे जरूरी चीज तुम्हारे जीवन में भजन अभ्यास है? असलियत में है? मन तो कहीं और दिया, तन साधन के संग, कह कबीर कोरी गजी कैसे लागे रंग। तो जब है तो ध्यान कहां जाता है तुम्हारा? जो करना है वो करना है, ये करना है वो करना है, और जो करना है वो नहीं करना है। जग में मेला
ना गया कोई जावे, कोई गठड़ी बांध सिधावे, कोई चला गया कोई जावे, कोई गठड़ी बांध सिधावे, कोई खड़ा तैयार अकेला रे, अकेला रे। सब चला चले का खेला रे, सब चला चले का खेला, सब चला चले का खेला रे, सब चला चले का खेला। तुम्हारी जिंदगी तुमसे वाकिफ रखती है, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा काम, तुम्हारा ध्यान, जो ये मनुष्य शरीर तुमको मिला है इससे है। क्यों ज्ञान के अभ्यास में बैठो, क्यों? ताकि तुम्हारा जीवन आनंदमय हो। सचेत होकर के अपने जीवन को बिताओ ताकि तुम्हारा जीवन आनंदमय हो। किसी और से प्रेम न करो तो इस श्वास से प्रेम जरूर करो ताकि तुम्हारा जीवन आनंदमय हो। जो इस श्वास से प्रेम नहीं कर सकता वो किसी और से प्रेम क्या करेगा? अगर सचमुच में ही प्रेमी बनना है तो ऐसी चीज से प्रेम करो, ऐसी चीज से प्रेम करो जो अंत समय तक तुम्हारा साथ दे। तो वो एक ही चीज है वो एक ही चीज है, उसके न होने से ही तुम्हारा अंत है। ये शरीर क्यों मिला है, क्या होगा, जिन तत्वों से ये शरीर बना है ये तत्व सारे वहीं वापस चले जाएंगे जहां से ये आए। पानी पानी में बड़ी आसानी से मिल जाता है, धूल धूल में मिल जाती है, रेत रेत में मिल जाती है, सारी चीजें जिनके तुम बने हुए हो। ये तो इस संसार से ही आए। क्या मैं कई बार कहता हूं लोगों से, क्या समझते हो कि जब बच्चा पैदा होता है तो इस धरती का वजन बढ़ता है? क्या समझते हो तुम, बढ़ता है? या जब कोई मर जाता है तो इस धरती का वजन कम होता है? न बढ़ता है न कम होता है। क्यों? किन जिस चीजों से तुम बने हुए हो वो तो अभी यही है, वो रहेंगे यहां। परंतु क्या तुमने उस चीज को जाना, उस चीज को समझा जो तुम्हारे अंदर है? जब जान गए, पहचान गए, फिर आनंद है। तुम्हारा नाता जिससे है उससे बना के रखो, वही एक सच है, वही एक सच है। और उस सच को अगर तुम जानते हो तो तुम्हारा कल्याण है, और नहीं जानते हो तो जीते जागते तुम स्वर्ग में नहीं नरक में हो। दुख आते रहेंगे, तुमको सताते रहेंगे,
दुखाते रहेंगे तुमको सताते रहेंगे, दुखाते रहेंगे तुमको सताते रहेंगे। क्या होता है? सारा चक्कर होता है। मनुष्य समझता है अब मैं यहां आ गया, अब मैं वो करूंगा, अब ये होगा, अब वो होगा, अब ऐसा होगा, अब वैसा होगा। ये सब नहीं होता है। होता ये है कि एक दिन तुम नहीं थे, आज तुम हो, और एक दिन तुम नहीं रहोगे। तो इसको सुन के तुम दुखी हो या खुशी हो, खुश हो या दुखी हो? अब बात आती है ये कि इस बात को सुन के कि तुम नहीं थे, अब हो और नहीं रहोगे, तुमको दुख होता है या तुम खुश होते हो? अगर तुम ये जानते हो तुम जानते हो जानना जिसे कहते हैं जानना, तुम नहीं थे ये तुम नहीं जानते हो, मैं नहीं जानता, तुम नहीं जानते। जब हम नहीं थे कौन जानता है, पर नहीं थे ये जानते हैं। और जब नहीं रहेंगे तो क्या जानेंगे? जो जानना है वो जान सकते हैं कब? अब। और अब अगर अब तुमने अपनी जिंदगी खुशी से भर दी तो तुम सचमुच में जानते हो। और अपनी जिंदगी अगर दुख से भर दी तुम तो नहीं जानते हो। चिंता किस चीज की करनी है? कि नहीं रहोगे इसकी चिंता नहीं करनी है, चिंता इसकी करनी है कि एक क्षण जिसमें तुम जीवित हो ये कहीं व्यर्थ न खो जाए। तुम्हारी उम्र अगर 90 साल की है इसी की चिंता करो, एक दिन तुमको जीना है इसी की चिंता करो। कर पाप कपट छल माया, धन लाख करोड़ कमाया। कर पाप कपट छल माया, धन लाख करोड़ कमाया। संग चले ना एक अधेला रे, अधेला रे। सब चला चली का खेला रे, सब चला चली का खेला, सब चला चली का खेला रे, सब चला चली का खेला। तो आइसक्रीम की बात कुछ विशेष है नहीं? एक तो वो खाने में अच्छी है और गर्म मौसम हो तो और भी अच्छी है नहीं? पर एक चक्कर है उसके साथ। वो चक्कर ये है कि उसको तुम ये नहीं कर सकते हो कि 2 घंटे बाद खाऊंगा। बाहर हो अगर, घर में नहीं हो, रेफ्रिजरेटर नहीं है, फ्रीजर नहीं है, तो 2 घंटे के बाद खा लूंगा। जैसे ही वो हाथ में आई और वो कोन वाली होती है ना जिसमें नीचे बिस्कुट होता है, तुरंत बोलना बोलना सब बंद। और अगर एक बूंद यहां चली गई
एक आदमी की वीडियो है यूट्यूब पे, तो वो आइसक्रीम खा रहा है और उसकी आइसक्रीम गिर गई। इधर उधर देखता है तो वो सिक्योरिटी कैमरा लगा हुआ था, वो उससे दिखाई दे रहा था सब कुछ। इधर उधर देखता है से तुम लोग, शर्म की बात है। कि जितनी कदर तुम आइसक्रीम की करते हो, अगर अपनी जिंदगी करते तो तुम कहां के कहां पहुंच गए होते। ये जिंदगी रूपी आइसक्रीम पिघल रही है और तुमको कोई परवाही नहीं है इसकी। इसके साथ तो तुमने वही किया हुआ है, दो घंटे के बाद खा लेंगे। तुमको अच्छी तरीके से मालूम है दो घंटे के बाद ये खाने लायक रहेगी नहीं। यही कह रहे हैं कबीरदास जी, भूखा हो तो भोजन पाले, आगे हाट न बनिया, भूले मन समझ के लाद बदनिया। प्यासा हो तो पानी पी ले, आगे देश न पनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया। कहत कबीर, सुनो भाई साधो, काल के हाथ कमनिया, ये समझ लो कि बड़ी चक्की चल रही है। चक्की चलती चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बुचा न कोए। ये सोचो कि चक्की चल रही है और 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 चल रही है, बस तुम किसी कारण इस चक्की से बच के थोड़ा सा अलग हो गए हो थोड़ी देर के लिए। जान गए, समझ गए तो बचे रहोगे, न तो वापस चक्की में जाना है। समझने की बात यह है। और मैं कह क्या रहा हूं, मैं कोई असंभव बात नहीं कह रहा हूं। मैं किसी काले कुत्ते को दो रोटी खिलाने के लिए नहीं कह रहा हूं। कुत्ते की खुराक रोटी नहीं है, कुत्ते की खुराक रोटी नहीं है। मैं कह रहा हूं कि ध्यान दो, अपनी जिंदगी पे ध्यान दो, क्या कर रहे हो इस पे ध्यान दो, ये जो आज का दिन है इस पे ध्यान दो, ये जो हर पल तुमको मिला है इस पे ध्यान दो। और अगर दोगे तो तुम्हारा जीवन सफल होगा, और नहीं तो आए थे सब जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बांधे जंजीर। जाना तो सबको है। सच क्या है? सच है ये श्वास जो तुम्हारे अंदर आ रहा है जा रहा है, ये सच है। पर इसे तुम सच नहीं मानते हो, उसको तुम झूठ मानते हो। क्या है श्वास है?
और जिस दिन ये आना बंद करेगा उस दिन तुमको पता लगेगा कि ये कितना सच है, क्योंकि इसके बिना तुम कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। जब ये चले जाएगा तो तुमको जला दिया जाएगा, गाड़ दिया जाएगा, नदी में फेंक दिया जाएगा। कि भूले मन समझ के लाद लगनिया, थोड़ा लाद बहुत बतला दे, टूट जाए तेरी गर्दनिया। भूखा हो तो भोजन पाले, आगे हाट न बनिया। प्यासा हो तो पानी पी ले, आगे देश न पनिया। अगर ये तुमने कर लिया, अपना काम कर लिया, फिर इस संसार में आने का कोई महत्व हुआ? तुम्हारे जिंदा होने का कोई महत्व हुआ? और इसका साक्षी कौन होगा? तुम और कोई नहीं, तुम। जिंदगी का इम्तिहान रिपोर्ट कार्ड की तरह नहीं है कि कितने नंबर मिले। जब विद्या प्राप्त कर ली, इम्तिहान दे दिया, तो तुम पास हुए या फेल, ये और कोई नहीं डिसाइड करेगा, ये तुमको ही डिसाइड करना है। ये तुम्हारा हृदय डिसाइड करेगा कि तुम पास हुए या फेल। कोई नंबर नहीं देगा, 75 मिले या 80, नहीं, ये तुम्हारा हृदय बताएगा। ये है हृदय की कीमत, इसलिए चाहिए हृदय। दिमाग नहीं, दिमाग एक मिनट में सब कुछ बढ़िया है, दूसरे मिनट में सब कुछ खराब है। सहायक नाही, सुत नार मात पितु भाई, कोई अंत सहायक नाही। क्यों भरे पाप का ठेला रे, ठेला रे, सब चला चली का खेला रे, सब चला चली का खेला, सब चला चली का। तो भाई, इससे अगर तुम ऐसे माहौल में रह करके अपना उद्धार चाहते हो तो होगा नहीं। जानो, सीखो। हां, तुम्हारा हृदय भी है, और कम से कम अपने से झूठ मत बोलो। अपने से झूठ मत बोलो। जिस चीज को तुम परमानेंट समझते हो, ये कभी परमानेंट थी नहीं और ना रहेगी। कागज नाव बनाए के बिच बिच लोहा जड़िया, ये तो सब गलेगा। रहना नहीं, देश बिराना है। ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। रहना नहीं, देश बिराना है, यही होगा। पर ये सब होने के बावजूद तुमको दुखी होने की जरूरत नहीं है, इसलिए तुम यहां बैठे हो।
मैं इसलिए यहां नहीं आया कि तुमको एक दिन जाना है, ये तो मेरे को मालूम था, तभी मालूम था जब मैं यहां नहीं था। मेरे को भी जाना है, तुमको भी जाना है, बात जाने की नहीं है। बात है कि जब तक हम जीवित हैं हम उस परमानंद के हिस्से हैं और हम इस बात को जाने पहचाने, अपने आप को पहचाने कौन है, क्या है असली तमाशा, क्या है असली तमाशा। जो तुमने अब तक देखा है वो नहीं है असली तमाशा, कुछ और है। क्या है कि तुम्हारे अंदर ये श्वास आ रहा है और जा रहा है, नर तन भव वारिद कहूं बेरो सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, इस श्वास का आना जाना ही मेरी कृपा है। करुण धार सतगुरु दृढ़ नावा दुर्लभ काज सरल करी पावा। यह है असलियत, यह है असलियत। चक्कर यह है कि जितने लोग हैं संसार में इसको जो हो रहा है इसको असलियत समझते हैं, और उसको जिसकी मैं बात कर रहा हूं उसको समझते हैं वो है नहीं। उसके लिए कहते हैं प्रूफ दो जी, प्रूफ दो। क्या प्रूफ है? अंदर की तरफ जाओ, तुमको प्रूफ मिलेगा। अपना ध्यान इस श्वास में लगाओ, तुमको प्रूफ मिलेगा। मिलेगा है इसका प्रूफ, बिना प्रूफ के नहीं है ये। जो आनंद, जो आनंद हृदय जब भरता है, जो मिलता है, उससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है? है नहीं कुछ, है नहीं कुछ, है नहीं कुछ। तो भाई ये हम कहना चाहते थे, ये हम समझाना चाहते थे, क्योंकि जो बात मैंने कही अगर ये तुम्हारी समझ में आ गई तो तुम्हारे जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। न तो ये सारी ईर्ष्या द्वेष इन सारी चीजों में तुम फंसे हुए हो, फंसे हुए रहोगे। विष की लहर उठत घट अंदर, अमृत बूंद चुभाए दीजो रे, गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो रे। उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। परिवार में नमक मिर्च लगाने वालों की कोई कमी नहीं है। परिवार में नमक मिर्च लगाने वालों की कोई कमी नहीं है। कई बार तो मेरे को ऐसा लगता है कि परिवार के जो सदस्य हैं जब कुछ नहीं होता है चटपटा तो उनको लगता है सब कुछ फीका है, तो कुछ चटपटा बनाया जाए, कुछ चटपटा लगाया जाए, किसी को कुछ करना है। क्या करते हैं परिवार में? सिर्फ सुनने की बात है, सिर्फ सुनने की बात, करना कुछ नहीं है, सुनने की बात। बच्चा कुछ बोलता है, दादा 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 मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे को ये लाके दो,
बीवी आती है, मेरे को ये नहीं, हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो होता था, अच्छा रहता। बस वो तो जो थोड़ा बहुत गैस भरी हुई है, जब वो थोड़ी निकल जाएगी तो अपने आप ये मैंने कह रखा है, पहले भी कह रखा है। और होता क्या है, जब इस बात को करने की समझने की जरूरत रहती है हम भूल जाते हैं। उसके बाद तो किसी ने कुछ कह दिया तो टिप्पणी तो उस पर करनी है, कुछ ना कुछ तो कहना ही है, जिससे कि और भड़के लोग। फिर भला बुरा तो कहेंगे ही लोग, सब कहेंगे, फिर लड़ाई होगी, फिर चटपटा हो जाएगा। जो कहना चाहिए वो तो कहते नहीं है। क्या कहते हैं लड़के से, बेटे से, तो बढ़ता नहीं है, निकम्मा है तू। वाह वाह वाह, क्या बढ़िया बात है कहने के लिए, निकम्मा है तू। और कोई तुमको कहे निकम्मे के बाप, तुमको अच्छा लगेगा? मां की, कोई मां से कहे निकम्मे की मां, तुमको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा। पर अपने बेटे को कहते हुए तुमको कोई संकोच नहीं है, निकम्मा। क्यों निकम्मा? पढ़ने लिखने में इसका ध्यान ही नहीं जाता, काय में जाता है उसका ध्यान, खेल कूद में। उसकी उम्र क्या है, खेलने कूदने की नहीं है तो किस चीज की है? अरे वो बुद्धिमान है, तुम्हारी तरह नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो, आनंद लो, ज्ञान का आनंद लो, सत्संग का आनंद लो, सेवा का आनंद लो। सब संसारा कर भजन ईश का प्यारा, यह नश्वर सब संसारा कर भजन ईश का प्यारा। ब्रह्मानंद कहे सुन चेला रे, चेला रे, सब चला चली का।